ये बरेटा का मॉडल है, मोस्ट डिमांडिंग रहता है मार्केट में भी, और ये भी यहाँ से खुलेगी, ओपन होगी, और ये इसके शेल्स हैं, इसको भी हम इस तरीके से खुलता है ये भी, जी और ये पुल बैक भी होता है, जब हम इसमें CO2 लोड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आगे पीछे पुल बैक होता है करेगा। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको लेकर आया हूँ सेल्फ डिफेंस गन शॉप पर। तो मिलवाता हूँ आपको यहाँ के ओनर से। तो ये है शॉप के ओनर। तो भाई अपना नाम बताइए। मेरा नाम मानव जी। कहाँ पे पड़ती है आपकी शॉप ये? ये सर हमारा शोरूम जो मेरठ में है जी। कौन कौन सी गन्स में डील करते हो? हम एयर गन में ही डील करते हैं मोस्टली, जिनके लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इंडियन इंपोर्टेड सभी तरह की एयर गन, एयर पिस्टल हमारे यहाँ मिलती है, और एयर गन के पैलेट्स। ये डिलीवरी कहाँ तक हो जाती है? ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विस है भैया। ये एयर गन है जो शूटिंग के पर्पज से भी आती है, लोग बंदे बंदे भगाते हैं इनसे घरों में अपने, बहुत चीज़ों में काम आती है, शादी में चलाओ, पार्टी में चलाओ, सब चीज़ में चलती है गन्स। ठीक है, पहले आता है ये MOD 23 होता है हमारा, MOD 23 होता है ये, इस तरीके से लिया जाता है, और ये सीधा ये नीचे लोड, यहाँ से इसका पैलेट डल जाता है, और यहाँ से हम साउंड कॉक लगा देते हैं इसमें आवाज़ के लिए, ज़्यादा नॉइस करने के लिए। ठीक है, और ये फायर हो जाता है। ये वुडन में होता है, इसमें कलर और मिल जाते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, ये 4000 रुपये की गन है, विद शिपिंग एंड पैलेट्स वगैरह एसेसरीज के साथ में ही दी जाती है। फिर उसके बाद हमारा एक टाइटन का एयर पिस्टल होता है, जो ज़्यादातर हमारा मस्कट के नाम से जाना जाता है जी। मस्कट एयर गन के नाम से, और ये खाली हमारे यहीं मैन्युफैक्चरिंग होकर हमारे यहीं से बिकता है, और कहीं नहीं मिलेगा आपको ये। इसकी कॉस्ट 3000 रुपये है, इसके साथ भी आपको सारी एसेसरीज वगैरह सब मिलती है, यही सेम प्रोसीजर होता है, यहाँ से आपको पैलेट डालना है जी। और फिर आगे से साउंड कॉक लग जाता है, और फिर सीधा ये फायर। काफ़ी छोटा साइज़ है, बढ़िया साइज़ है, कोई भी आराम से लेके जा सकता है, घर में भी अगर आप 100 पीस में भी लगाओगे तो काफ़ी अच्छा पीस है, बच्चे वगैरह कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, फिर आता है उसका बड़ा मॉडल, टाइटन का ही बड़ा मॉडल आता है, यह है MOD 90 के नाम से, हॉकी एयर गन के नाम से जाना जाता है ये। ज़्यादातर लोग इसको शादी में, पार्टीज़ में इसलिए ही यूज़ करते हैं, या अपनी कार वगैरह में रखते हैं फॉर एज अ सेफ्टी। ठीक है, इसको भी हम लोड करके दिखाते हैं। इसको आप पहले यहाँ रखिए आराम से, फिर ऐसे लीजिए, हल्का सा हाथ मारिए, फिर आप इसे पूरा नीचे लेके जाइए। अगर आप हाथ में रख के करेंगे तो आपके हाथ में लग सकती है। ठीक है, तो यहीं से सेम प्रोसीजर वही बताऊंगा, पैलेट यहाँ डलेगा 0.177 का जी। पैलेट डालने के बाद आपको कॉक लगाना है, अगर आपको ज़्यादा नॉइस चाहिए तो कॉक लगाइए, नहीं नॉइस चाहिए, खाली टारगेट प्रैक्टिस करनी है तो कॉक ना लगाए आप। ठीक है, इसकी पावर भी काफ़ी अच्छी, देखिए मैं चला के दिखाता हूँ इसे, खाली इसको कितना खाली का प्रेशर भी कितना अमेजिंग आता है इसका, बहुत अच्छी पावर है इसकी। ठीक है, फिर उसके बाद एक और मॉडल आता है इसी का, डबल बैरल में, जैसे लुक लाइक सा 12 बोल रियल गन जो होता है, जैसे 12 बोल का ओरिजिनल गन आता है उसी टाइप का, ये छोटा में बनाया है एयर गन में जी। चलता है इसमें सिंगल शॉट ही है, पर ये डबल बैरल हमने लुकिंग के लिए दे रखा है। ठीक है, और इसकी पावर भी काफ़ी अच्छी है, देखिए, और आप इसको शादी में, पार्टी में कहीं भी लेकर जा सकते हैं, ऐसे किस तरह भी, बहुत ही अमेजिंग है, और आप इसको टांग भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ, ये 6500 रुपये की है विद शिपिंग के साथ, इसके साथ आपको 100 पैलेट्स और एक बॉक्स साउंड कॉक का मिलता है। ठीक है, और ये 7500 रुपये की है, इसके साथ भी सेम एसेसरीज मिलेगा आपको, एक बॉक्स साउंड कॉक का, ट्रबल पावर का, और 100 पैलेट्स मिलते हैं इसके। जी, ये कौन सी गन है? ये हीमेन की स्टैंड गन आती है, काफ़ी अमेजिंग लुकिंग में है ये भी, फाइबर बटे और ये सब मेटल का होता है ये, इससे भी आप शूटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, शॉर्ट में है और इस तरीके से पकड़ के आप शूटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेशर भी काफ़ी अच्छा और इसीलिए लोड आती है, सबसे बड़ी बात ये है, प्रेशर भी कितना तेज है, बिना साउंड कॉक के, बिना किसी चीज़ के कितना तेज प्रेशर है इसका। कितने मीटर की रेंज है इसकी? 10-15 मीटर बड़े आराम से जाएगा, उसके ऊपर हवा भी जाता है ये। ठीक है, ये आपको हमारे यहाँ 6500-6000 रुपये से, अलग अलग इसके मॉडल्स हैं, अलग अलग कलर के हिसाब से इसके प्राइसिंग है। कलर और मिल जाएगा इसमें? जी, कलर और मिल जाएंगे, 2 कलर और हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे जी। ये कौन सी भाई? ये भी लाइटर है, इसका वेट 500 ग्राम के लगभग है, और फुल ऑफ मेटल में आता है ये जी। और सबसे ज़्यादा यही चलता है मूवीज में, एल्बम सॉन्ग्स में बहुत चलता है ये वाला। हाँ, ये जो है ये पुल बैक नहीं होता है, बहुत से लोग इसे पुल बैक करते हैं, ये होता नहीं है, ये यहाँ से निकल जाएगा, उससे कुछ फायदा नहीं। और देख सकते हैं अभी ये गैस भी कितनी बढ़िया इसकी। ठीक है, और इसके साथ हम आपको एक कवर देते हैं इस तरीके का, ये देखिए बिल्कुल फिट आएगा और ओरिजिनल लुकिंग ही आएगी पूरी। आप इसको अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे, या भी कहीं भी जीन्स पहनते हैं तो आप यहाँ लगा के इसको चल सकते हैं, कहीं भी कोई नहीं पहचानेगा कि ये लाइटर है। हाँ जी,
ठीक है। और जो कंपनी से इसका कवर आता है वो इस तरीके का आता है, बहुत हल्का कवर होता है ये। हाँ तो हम ये भी हम आपको देंगे, पर हम ये वाला ही कवर देंगे आपको गन के साथ जब भी आप लेंगे। इसकी कॉस्ट 2000 रुपये है विद शिपिंग के साथ, और कवर ओवर सब साथ इसके फ्री मिलता है आपको जी। फिर उसके बाद आता है एक ये लाइटर, ये भी बहुत चलता है मार्केट में ये, क्योंकि इसमें पुल बैक हो जाता है। ये देखिए पुल बैक हो गया, फिर ये हम फायर जब करेंगे ये आगे चले जाएगा। ये भी फुल मेटल का होता है, ये भी 1800 रुपये में हमारे यहाँ से आपको मिल जाएगा जी। तो भैया ये इंपोर्टेड एयर गन है जी, इसमें पैलेट डलता है और ये CO2 एक गैस सिलेंडर आता है उससे चलती है। ये 12 ग्राम का एक सिलेंडर होता है जो कि इसमें यूज होता है, इसके प्रेशर से ही चलती है ये। हम इस तरीके से यहाँ से लेंगे और ये सिलेंडर यहाँ फिट हो जाता है इसका जी। ठीक है, अभी हम फिट नहीं करेंगे, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमने फिट कर दिया। तो फिर उसके बाद यहाँ आपके पैलेट्स डलेंगे, ये 8 शॉट रिवॉल्वर है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पैलेट डल जाएंगे और फिर ये फायर होगी तरीके से। मतलब आप शूटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस पर्पज से भी अच्छा है, और आप कहीं जा रहे हैं ट्रैकिंग वगैरह पे तो उस पर्पज से भी अच्छा, आप अपना सेफ्टी पर्पज से लगा के जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है इन गन्स के लिए नो लाइसेंस रिक्वायर्ड है जी। आपको हमारी कंपनी की तरफ से बिल मिलेगा, जब भी आप कहीं जाएं तो बिल अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ रखें जी। ये है डैन वर्जन का वोल्गर 1911 पिस्टल, ठीक है। ये भी पैलेट वर्जन है, देख सकते हैं आप कितना प्यारा पीस है, एकदम बिल्कुल लुक्स लाइक ओरिजिनल। वेट भी काफ़ी अच्छा, कम से कम 1.5 किलो इसका वेट होगा ये, ठीक है। पर ये पुल बैक नहीं होता ये वाला पिस्टल, ठीक है। और इसका प्रोसीजर भी सेम है, यहाँ पे 12 ग्राम का CO2 सिलेंडर डलता है इसमें। हाँ जी। और यहाँ पे इसके पैलेट्स डलेंगे, फिर ये फायर करना स्टार्ट करता है। मतलब ये सब गन्स जो है जितनी भी आप, जैसे आपका कहीं पेमेंट लेने का या कुछ भी काम है पेमेंट से रिलेटेड, तो उस चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। और यहाँ इसमें लॉकिंग सिस्टम भी दिया होता है, आप लॉक कर देंगे तो ट्रैगर नहीं चलेगा, जब लॉक नीचे हो जाएगा तभी चलता है ये। अभी कभी आप गाड़ी वगैरह में कहीं भी जा रहे हैं जी, तो उस पर्पज से सेफ्टी पर्पज से आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। या आपका कोई पेमेंट का लेने देने का काम है, या रोज रात को आने लेट आने का काम है, तो उस चीज़ों से बढ़िया चीज़ है जी। सेफ्टी पर्पज से भी बढ़िया है, और घर में आप अपनी शूटिंग प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जी। फिर उसके बाद आता है कि क्रॉसमैन का SNR 357, इसको भी दिखाते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग बैरल में है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग में है, लॉन्ग बैरल है जी, और लुकिंग वाइज भी काफ़ी रियल लुकिंग है ये, ठीक है। ये इस तरीके से खुलता है, इसमें शेल्स भी ऐसे होते हैं जैसे ओरिजिनल के होते हैं 32 बोर के, ये देखिए बिल्कुल जैसे 32 बोर होता है ओरिजिनल वैसा ही है, ओरिजिनल लग रहा है जी जी। और यहाँ पे इसका BB बोल होता है, BB बोल वो डल जाता है इसमें, आप उसको इसमें भरिए और फिर ऐसे लगाते रहिए एक एक करके, कोई इशू वाली बात नहीं, बिल्कुल आपको रियल जैसा फील आएगा इसको चलाते समय भी और यूज़ करते समय भी, ये देखिए, ठीक है। फिर आपने इस तरीके से लगा दिया, इसका CO2 सिलेंडर यहाँ डलता है। हाँ जी, ठीक। ये इसका लॉकिंग सिस्टम है और खोलने ओपन करने का सिस्टम है। ये भी आपकी सेफ्टी पर्पज से काफ़ी अच्छा पीस है, लुकिंग वाइज भी अच्छा है, शूटिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक ये आता है डैन वर्जन का जी। और ये भी पूरा गोल्डन कलर में, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इसकी, आप देख सकते हैं जी, देखिए। और सेम वही प्रोसीजर होगा, यहाँ से आपका CO2 सिलेंडर डलता है, ठीक है। और ये इसमें भी पूरा रियल लुकिंग आता है, देखिए घूमता है सब। इसमें भी 32 बोल की तरह ही शैल होते हैं, ये देखिए वही शैल है इसमें भी। यहाँ से आपका BB डल जाएगा 0.177 का, फिर आपको इस तरीके से लगाना है और फायर। इसमें गाइस साउंड कम होता है, क्योंकि जो इसकी गैस का प्रेशर होता है उसी चीज़ का साउंड होता है इसमें। हाँ, आप सोचोगे कि रियल जैसा साउंड देगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो इसका जो 12 ग्राम का सिलेंडर डलेगा उसी के हिसाब से गैस की आवाज़ देता है। तो ये भी स्कॉच फील्ड का 6 इंच बैरल का स्टील गेट का रिवॉल्वर है जी, बिल्कुल एकदम रॉयल लुकिंग लॉन्ग बैरल में। हाँ जी। काफ़ी अमेजिंग पीस है ये भी, बिल्कुल जैसे इंग्लिश वेपन्स होते हैं वैसे ही इसका लुकिंग है। हाँ जी, ठीक। और ये भी यहाँ से खुलेगी, ओपन होगी, और ये इसके शेल्स हैं, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे एकदम जी जी, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे ही पीस होते हैं सारे ये। हाँ जी, ये देखिए। फिर हम इसको आराम से बंद कर देंगे, फिर ये फायर होगा। इसमें यहाँ लॉकिंग सिस्टम भी दिया हुआ, लॉक कर देंगे तो आप फायर नहीं होगा ये जी, हमें ऐसे करना है और ये फायर। मतलब काफ़ी अमेजिंग पीस, आप देखिए ना लुकिंग वाइज भी कितना अमेजिंग लगेगा। शूटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं या घर में आप बोर हो रहे हैं तो कर सकते हैं शूटिंग प्रैक्टिस। हाँ जी, मतलब इसका वेट भी कम से कम लगभग 1.5 किलो के बीच में ही है जी। इसमें भी यहाँ पे CO2 सिलेंडर डलता है, ये ओपन हो जाता है यहाँ से जी, सैंपल से
जी सेम प्रोसेस है मतलब? जी 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 सेम प्रोसीजर है सबका, सी ओ टू सिलेंडर यहीं डलता है और यहाँ पे इसके बीबी चल जाते हैं। एक ये मॉडल होगा इसका जी, ये स्टील फिनिशिंग में, पूरा स्टील में और वुडन टच में इसका ग्रिपिंग दिया हुआ है। स्टील में है ये? जी पूरी मेटल की है, स्टील पॉलिश में दिया हुआ है। ठीक, इसको भी हम इस तरीके से खुलता है ये भी, ये देखिए इसमें भी यहाँ पे ही बीबीज चलेंगे। हाँ जी, फिर वो लोड होके चलेगा और यहाँ पे इसका CO2 सिलेंडर डलता है। ये लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ था, ये हमने वो लॉक ओपन करा और फिर ये फायर हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है एक और ये पिस्टल, स्मॉल साइज में और काफ़ी अमेजिंग लुकिंग है, फुल ब्लैक मैट ब्लैक में जी। ये देखिए कितना अमेजिंग चीज़ है, छोटा है और काफ़ी अच्छा लुकिंग में है। हाँ जी, ठीक है, इसका मैगजीन इस तरीके से होता है, इसमें बीबीज डल जाते हैं जी। इसके अंदर ही यहाँ पे आपका CO2 सिलेंडर डलता है। हाँ जी, ये भी यहीं से ओपन होकर डलता है। ठीक है, ये पुल बैक होता है, जब आप इसमें CO2 लोड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक पुल बैक होता रहे करेगा जी। देखिए एक और ये 10 वर्जन का, ये भी काफ़ी अमेजिंग। हाँ जी, ये भी रिवॉल्वर है, वेट भी काफ़ी अच्छा इसका, 1.5 किलो के करीब वेट है इसका जी। ये हमने लॉक खोलते हैं इसका, चल जाएगी, देखिए कितना अमेजिंग है, ये भी अपना घूमेगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसका लॉकिंग है, ये हमने इस तरीके से खोला जी। देख सकते हैं यहीं से इसका बीबी डल जाएगा जी। फिर सीधा ये अंदर और इसे ओपन करके यहाँ इसका CO2 सिलेंडर डल जाएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी है, बहुत चलती है ये भी मार्केट में जी। ये है 10 वर्जन का विटनेस 1911 पिस्टल। अच्छा जी, जी ये भी शूटिंग प्रैक्टिस में ही काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, क्योंकि एक तो बहुत पतला है और लुकिंग वाइज भी काफ़ी अच्छा है एक तो। हाँ जी, जैसे ओरिजिनल पिस्टल आता है 30 का, वैसे ही इसकी लुकिंग है पूरी प्रॉपर जी। और ये पुल बैक भी होता है, जब हम इसमें CO2 लोड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आगे पीछे पुल बैक होता है करेगा। देखिए कितना अमेजिंग, बिल्कुल रियल जैसा फील आएगा। और यहाँ से इसका ये बटन है, ये ओपन किया जाता है और ये मैगजीन बाहर आ जाती है जी। इसमें यहाँ से CO2 सिलेंडर डलेगा 12 ग्राम का और यहाँ से इसके बीबीज चल जाएंगे जी। एक बारी में 18 राउंड डलते हैं इसके अंदर, 18 राउंड फायरिंग होती है जी। जी एक बारी में 18 राउंड डलेंगे इसमें अंदर मैगजीन में, और साथ में इसके बीबीज भी इसकी कंपनी की तरफ से फ्री आते हैं। हाँ, और एक इसकी एल की आती है जिससे हम CO2 सिलेंडर टाइट करते हैं जी। ठीक है, ये कंपनी के साथ ही आता है, और अलग से लेना चाहते हैं वो सब हमारे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है ये सुई जाम्स का P92, ये भी फुल ऑफ मेटल होता है, इसका वेट भी कम से कम 1.5 किलो के करीब होता है। देख सकते कितना अमेजिंग पीस है, इसमें भी पुल बैक होता है, पुल बैक एक्शन है, ये देख सकते हैं जब हम इसको लोड करेंगे CO2 वगैरह तो ऑटोमेटिकली फुल एक्शन इसमें चलता है। इसका भी सेम प्रोसीजर, ये मैगजीन निकालनी है आपको और यहाँ पे इसका CO2 सिलेंडर डलेगा और यहाँ इसके बीबीज आपके डल जाएंगे इसके अंदर जी। इसमें भी एक बारी में 18 से 20 राउंड फायर होंगे। एक CO2 अगर आप एक ये लोड कर रहे हैं तो ये आपको एक ही उसमें 70-80 शॉट निकाल देगा एक सिलेंडर, पर आपको इसको 24 घंटे से ज़्यादा। फिर उसके बाद आता है मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट, ये है उमर एक्स का जर्मनी मेड बरेटा F92। ये भी फुल मेटल बॉडी होता है, देख सकते हैं आप जी। ये बरेटा का मॉडल है, मोस्ट डिमांडिंग रहता है मार्केट में भी ये जी। ठीक, और इसके जो यहाँ से इसकी इसमें मैगजीन नहीं डलेगी, इसमें ये 8 शॉट की ये आती है जी। ये इसकी यहाँ पे लग जाएगी, फिर ये बंद होता है। ठीक है, ये देखिए बंद हो गया, फिर ये फायर होगा, ये पुल बैक नहीं होता, इसमें पुल बैक ऑप्शन नहीं है। CO2 सिलेंडर इसका यहीं से डलेगा, यहाँ से ओपन हो जाता है, इसके अंदर वो डलेगा। कितने मीटर की रेंज है जी इसमें? जो मेन एक्यूरेसी होती है ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20 मीटर मारती है। इसमें जो मेन होता है वो होता है FPS, इनका पर सेकंड कितने स्पीड से शॉट मारती है। सबका अलग अलग, गन्स का अलग अलग हिसाब से FPS होता है। ये कौन सी गन्स है भैया? ये गैमो की है, मेड इन जर्मनी। मेड इन जर्मनी जी, गैमो की 10 शॉट एयर राइफल है। यहाँ इसकी 10 शॉट मैगजीन यहाँ डल जाती है जी। ठीक है, और ये पूरा मेटल बॉडी में फाइबर आता है इधर, और ये पूरा मेटल आएगा, फाइबर का बट होता है। लुकिंग वाइज काफ़ी प्यारी है और शूटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छे पीस है। देखिए इस तरीके से चलेंगे तो काफ़ी अच्छी शूटिंग प्रैक्टिस हो सकती है इसका। कितनी मीटर की रेंज है इसकी? रेंज भैया ऐसी बैठेगी 70-80 मीटर से भी ऊपर जाएगी इसकी रेंज। इसका जो FPS है 1250 के करीब इसका FPS है जी। ठीक है, और इसमें यहाँ पे सबसे बड़ी बात है इसमें सप्रेसर भी लगा हुआ है, यानी कि जब पैलेट को शॉट मारेंगे तो इसमें से विदाउट नॉइस पैलेट जाएगा, नॉइस बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इसमें यहाँ सप्रेसर लगा हुआ है ऑलरेडी जी।
ठीक है। फिर उसके बाद इससे दूसरा मॉडल है इसका अपग्रेड, ये है गैमो रिप्ले 10 शॉट मैगनम IGST। इसकी भी रेंज काफ़ी अच्छी है, ये भी 10 शॉट में है। यहाँ पे अपना आप स्कोप लगा सकते हैं, राइफल का स्कोप लॉन्ग रेंज के लिए। इसका 1350 FPS है, 100 मीटर अवब इसकी रेंज है। यहाँ इसकी मैगजीन लग जाती है, यहाँ पे इसकी मैगजीन लग जाएगी 10 शॉट की जी, ठीक है। और ये भी पूरी फुल मेटल है और शॉट भी काफ़ी अच्छा चलता है इसमें। मॉडल 35 है ये जी। ये भी शूटिंग के पर्पज़ से या खेत वगैरह में यूज़ होता है जानवरों को भगाने के लिए। और आप शूटिंग प्रैक्टिस भी इससे आराम से कर सकते हैं इस तरीके से, लाइक दिस शूटिंग प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा आपका। हाँ जी, इसको भी हम आपकी इसकी पावर दिखाते हैं कितनी बढ़िया पावर है। देखिए अभी इसमें कद में कुछ नहीं है, खाली है, और हम इसको चलाते हैं। पावर भी अच्छी, सब चीज़ अच्छी है। ये हमारे यहाँ आपको 6000 रुपये की मिल जाएगी विद एसेसरीज के साथ। एसेसरीज क्या होती है, 100 पैलेट्स और 1 बॉक्स ऑनकॉक, ये सब हम आप इसके साथ ही देंगे। और ये बेल्ट भी इसके साथ में ही आती है। कितने मीटर की रेंज है जी इसकी? इसकी मेन मानो आप 50 मीटर बड़े आराम से मारेगा ये। 50 मीटर की रेंज? हाँ जी बिल्कुल। जो मेन एक्यूरेसी होती है वो मैंने आपको बताया, 10 मीटर तो मेन एक्यूरेसी बिल्कुल एक्यूरेट मारता ही मारता है कोई भी गन हो, ठीक है। पर ये 50 मीटर तक बड़े आराम से मार देगा। मॉडल है 35, ठीक है। इसमें यही कलर आपको मिलेगा और काफ़ी अच्छे रेटों का है, और रेंज भी अच्छी है इसकी, लुकिंग भी बढ़िया, काफ़ी अच्छा पीस है। देखिए इस तरीके से लोड हो गया ये। हाँ जी, और ये फायर करते हैं। इसमें एक टारगेट भी दे रखा है छोटा सा, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से फायर। ये मात्र हमारे यहाँ आपको 8500 रुपये का मिल जाएगा जी, फ्री शिपिंग के साथ, 100 पैलेट्स और 1 बॉक्स ऑन कोक के साथ सब चीज़ कंप्लीट मिलेगा। तो उसके बाद एक हमारा टाइटन का ही, हमारी कंपनी का टाइटन का एक नया मॉडल है ये भी, मॉडल 65 देख सकते हैं आप ये। इसकी लुकिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट की फिनिशिंग भी अच्छी है, और लुकिंग वाइज भी काफ़ी अच्छा पीस है ये, ठीक है। और इसको भी हम लोड करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए आप खेत में पार्टी में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको, काफ़ी अच्छा रेंज आता है इसका। देखिए कितना अमेजिंग पावर है। ये मिलेगी आपको 6500 रुपये की विद एसेसरीज एंड फ्री शिपिंग के साथ जी। लुकिंग भी अच्छी है, सब खर्चा वर्चा सब हम लोग पे करते हैं, पैकिंग वगैरह हमारी जिम्मेदारी है, पूरे रास्ते तक घर तक पहुँचने की आपकी जी, ठीक है। फिर आता है हमारा टाइटन का एक और मॉडल जो फुल ब्लैक और डबल शेड में है जी, अमेजिंग लुकिंग है, बहुत बढ़िया है। यह मॉडल 35, ठीक है जी। ये भी हम आपको, आप जब भी लोड करें आप ऐसे करके लोड ना करें कभी भी, बहुत से लोग ऐसे करते तो गिर भी जाते, गन टूटने का डर रहता है। आप यहाँ रखिए इसको आराम से जी, फिर ऐसे हाथ मारिए और फिर नीचे लेके जाइए, बड़े आराम से लोड जाएगी। और ये भी काफ़ी अमेजिंग पावर की है, ठीक है। ये आपको 6000 रुपये विद डिलीवरी के साथ मिलती है जी। ये भी एक और नया मॉडल है टाइटन का ही जी, मॉडल 500। इसका बट का लुकिंग वगैरह सब ओरिजिनल लुकिंग जैसी गन का बनाया गया है। हाँ जी, आप देख सकते हैं बट की लुकिंग भी कितनी प्यारी आ रही है जी। ये देखिए मतलब एकदम बिल्कुल जैसे ओरिजिनल गन होती है वैसे ही उसी के टाइप का लुकिंग दिया गया है, डबल बैरल शेड में इसका। और रेंज भी काफ़ी अच्छी है इसकी, पावरफुल है बिल्कुल, आपको ऐसा लगेगा जैसे 12 बोर की ओरिजिनल गन आप लेके चल रहे हैं हाथ में। और रेंज भी काफ़ी अच्छी है इसकी, पावर भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, अगर आप इसे कहीं लेके जा रहे हैं पार्टी वगैरह में इस तरीके से भी, तो लगेगा नहीं एयर गन है, लगेगा बिल्कुल असली लेके जा रहे हैं आप लोग, देखने में बिल्कुल असली लग रही है जी। जी बिल्कुल असली, ऐसा ही लुकिंग है इसका, बट की पूरी फिनिशिंग वगैरह सब इसी तरीके से बनाई गई है। हाँ, ये आपको मिलेगी 9000 रुपये की विद डिलीवरी के साथ। तो ये हीमैन का एक एयर पिस्टल है जो शूटिंग के लिए ही पर्पज़ से बनाया जाता है। अच्छा, ठीक है जी, आप देख सकते हैं इसके लिए कितना बढ़िया अमेजिंग फिनिशिंग है इसका, और ब्राउन कलर में है, फाइबर बट है, काफ़ी अच्छा है। और ये इसके साथ एक लोडर दिया हुआ है इसके, इस तरीके से लगाना है आपको और ये इस तरीके से लोड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 10 मीटर की शूटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आराम से आप इस तरीके से होल्डिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 मीटर की रेंज है इसकी? जी जी, 10 मीटर से ऊपर ही होती है, जो मेन एक्यूरेसी गन्स की होती है 10 मीटर ही होती है, ठीक है। उसके बाद अगर ये फिर ही आता है ग्लोबस का ब्लैकबेरी एयर पिस्टल, ये भी शूटिंग के लिए ही काम आता है, इसके भी रेंज काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अगर आप 10 मीटर की शूटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये दोनों गन बेस्ट है आपके लिए जी। और इसकी रेंज है 3500 रुपये, इसके साथ आपको 200 पैलेट्स मिलते हैं और ये गन, ठीक है। डिलीवरी प्लस होगी इसके साथ, इसका कोई कवर भी नहीं आता क्योंकि बड़ी गन है, ठीक है। और ये 3000 रुपये की गन है, इसके साथ भी आपको 1 बॉक्स पैलेट और 1 कवर और 1 साउंड कॉक का बॉक्स मिलेगा, डिलीवरी फ्री है इसकी। तो ये साउंड गन्स होती हैं जो ज़्यादातर हम ही लोग इसको सेल करते हैं और कहीं आमतौर पर नहीं मिलती हैं जी। इसमें भी मैं आपको, इसमें अलग अलग वेराइटीज़ हैं, इसमें कस्टमर कंफ्यूज होते हैं बहुत सी बार,
तीनों एक सी लग रही है बिल्कुल। जी जी बिल्कुल एक सी लगेंगी, पर ये जब फर्क कस्टमर आके देखता जाए पता लगता है। जी ये है 9M मिनी पिस्टल, अच्छा ठीक है। ये इस तरीके से इसको पीछे किया जाता है और ये फायर होता है। इसका वेट 250 ग्राम है, यानी कि 250 ग्राम इसका वेट है। 1800 रुपये की इसकी हम सेल करते हैं विद शिपिंग एंड ऑल एसेसरीज के साथ। इसके साथ आपको एक बॉक्स साउंड कॉक का मिलता है ट्रिपल पावर का, और एक कवर मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये वाला प्रोडक्ट, ये भी आपको सेम ही लगेगा। ये है 9M बिग पिस्टल, ठीक है जी। इसका वेट 300 ग्राम है, वो 250 ग्राम में था, ये 300 ग्राम में है। और इन दोनों का साइज़ में भी फ़र्क है, देख सकते हैं आप, छोटा बड़ा है ये साइज़। हाँ जी ये बड़ा वाला है, ठीक है ना, साइज़ में भी फ़र्क है। तो इसका रेट भी 2200 रुपये है, और इसके साथ भी आपको सेम एक्सेसरीज इसके साथ मिलती है। फिर उसके बाद आता है ये जो मार्केट में कॉपी चल रही है इसकी, ये है बिल्कुल एकदम पतला सा पीस और थोड़ा ऐसे ही है, ये डोन के नाम से आया जाता है। ये जी बहुत ही सस्ता पीस है ये, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसमें कॉक फायर होगा या नहीं होगा जी। इसकी कोई गारंटी नहीं होती हम लोगों की ये, और मार्केट में लोग बाग इसको सेल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम। क्या प्राइस इसका? ये तो हमारे यहाँ आपको 1200 रुपये का मिल जाएगा, पर हमारी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग इसकी गारंटी लेते हैं जो हम अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं कि हमारी गारंटी इसमें कॉक चलेगा ही चलेगा। उसके बाद आता है कि 7-शॉट रिवॉल्वर, ये इस तरीके से यहाँ से खुल जाता है। इसकी कुछ रील्स ये बच्चों वाले बिंदी वाले पटाखे होते हैं, हाँ जी। उसको यहाँ लगाना पड़ता है बार बार, और फिर ऐसे दिवाली के लिए। जी 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 दिवाली के लिए, और फिर ऐसे फायर होता है। जो बाजार में बिकती है वो सब प्लास्टिक की होती है, हमारे यहाँ आपको फुल मेटल में मिलेगी। इसके साथ भी आपको एक कवर और ये आर्टिफिशियल कुछ बुलेट्स और कंपनी की तरफ से पेन वगैरह सब साथ में मिलते हैं। क्या प्राइस इसका? ये 1500 रुपये की हमारे यहाँ।